हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में किस तरीके से एक फुल्ली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट को मेंटेन कर सकते हैं। गाइस, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ या अपने अंडर काम करने वाले वर्कर्स की अटेंडेंस शीट को मेंटेन करना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल में एक फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो जैसा कि गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले से मैंने एक अटेंडेंस शीट यहाँ पर बनाई हुई है जिसमें आपको दिख रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम दिए हुए हैं, उनके सुपरवाइज़र दिए हुए हैं जो उनको सुपरवाइज़ करते हैं, उसके बाद उन्होंने वो पूरे महीने में कितने दिन प्रेजेंट हैं, पूरे महीने में उन्होंने कितने एब्सेंट किए हैं, पूरे महीने में उन्होंने कितनी छुट्टी ली है, लीव ली हुई है, उसके बाद अनप्लैंड परसेंटेज है। अनप्लैंड परसेंटेज का मतलब क्या है गाइस, कि उन्होंने पूरे महीने में कितने परसेंट छुट्टी बिना बताए की है। उसके बाद प्लैंड परसेंटेज है, इसका मतलब क्या है कि गाइस कि उन्होंने पूरे महीने में कितने परसेंट छुट्टी बता के की है। उसके बाद आप देखेंगे गाइस ये कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं, इस कार्ड्स में ये कार्ड्स हमारे क्या शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा गाइस, जिस भी डेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उस डेट के हिसाब से ये हमारा क्या हो रहा है, रिपोर्ट चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 25 तारीख या 24 तारीख को सेलेक्ट करता हूँ गाइस, जैसे मैंने 25 तारीख सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपका रिपोर्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है गाइस कि 25 तारीख को जितने भी आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें से 12 इम्प्लॉयज ऐसे हैं जो प्रेजेंट है, उसमें से 2 इम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने एबसेंट किया हुआ है और कोई भी इम्प्लॉय ने 25 तारीख को कोई भी लीव नहीं ली है। और अनप्लैंड परसेंटेज का मतलब क्या है गाइस, 14.29, इसका मतलब क्या है गाइस कि पूरे 25 तारीख को जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 14.29% ऐसे इम्प्लॉय हैं जिन्होंने बिना बताए छुट्टी की है। इसी तरीके से आप गाइस मान लीजिए 29 तारीख को सेलेक्ट करते हैं तो 14 लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट हुए थे, किसी ने भी एबसेंट नहीं किया था 29 तारीख को, ना ही किसी ने लीव ली थी और आपका अनप्लैंड परसेंटेज 0 है। तो ये पूरा का पूरा अटेंडेंस शीट मैंने कैसे बनाया हुआ है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा ताकि आप भी इस तरीके से एक अटेंडेंस शीट को बना सकें और अपने काम को आसान कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक नई शीट लेनी पड़ेगी जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें फिर से करके बताऊंगा। तो गाइस एक मैं नई शीट ले लेता हूं। ये गाइस देखिए मैंने एक नई शीट ले ली है, इस शीट पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये पूरी की पूरी अटेंडेंस शीट बनाई हुई है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस इस अटेंडेंस शीट पर, सबसे पहले देखिए आपको गाइस आपने यहाँ मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिए हुए, एम्प्लॉय नेम, सुपरवाइजर, प्रेजेंट काउंट, एब्सेंट काउंट, तो इसको मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा गाइस। एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, टाइप किया। एम्प्लॉय नेम को टाइप करने के बाद मुझे जो भी हेडिंग चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए तो मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर को टाइप किया। इसके बाद मुझे प्रेजेंट काउंट की हेडिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट काउंट को टाइप किया। इसके बाद मुझे एब्सेंट काउंट की हेडिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पे एब्सेंट काउंट को टाइप किया। उसके बाद मुझे लीव काउंट की हेडिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पे लीव काउंट की हेडिंग को टाइप किया। उसके बाद मुझे अनप्लैंड परसेंटेज की हेडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे अनप्लैंड परसेंटेज को टाइप करूँगा अपने कीबोर्ड से, अनप्लैंड परसेंटेज। उसके बाद मुझे प्लैंड परसेंटेज की हेडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्लैंड परसेंटेज को टाइप करूँगा। उसके बाद आप देखेंगे गाइस यहाँ पे कि आपका जो एम्प्लॉय नेम, सुपरवाइजर, प्रेजेंट काउंट है ये क्या गाइस ऊपर नीचे है, जबकि इस वाली शीट पे ये ऊपर सुपरवाइजर या प्रेजेंट काउंट पूरा शो नहीं हो रहा, तो ये किस तरीके से ऊपर नीचे लिखे हुए आएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, पूरी हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है। पूरी हेडिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे गाइस कि आपका जो ये हेडिंग है ये क्या हो गया गाइस, ऊपर नीचे हो गया। जैसे प्रेजेंट काउंट आपका ऊपर नीचे लिखना स्टार्ट हो गया, एम्प्लॉय नेम, एब्सेंट काउंट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं गाइस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके अपने हेडिंग्स को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे सुपरवाइजर बीच में लिखा हुआ आ रहा है, अनप्लैंड प्लैंड ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, बीच में लिखे हुए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर आपका नीचे की साइड लिखा हुआ आ रहा है, प्लैंड आपका नीचे की साइड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको मैं बीच में कैसे कर सकता हूँ, तो आपको अपने हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने माउस से इस मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मिडिल अलाइनमेंट क्लिक करेंगे ये आपका मिडिल में आ जाएगा। इतना करने के बाद गाइस आपको
यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये आपका थोड़ा सा एम्प्लॉय नेम, सुपरवाइजर, प्रेजेंट काउंट, ये आपके बोल्ड हैं, जबकि यहाँ पे आपके ये बोल्ड नहीं है। तो बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से या तो कंट्रोल और बी को प्रेस कर सकते हैं, या फिर माउस से आप इस बी पे क्लिक करेंगे, ये आपका बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको बीच में लिखना है। तो अगर आपको इस पे सेंटर अलाइनमेंट पे पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। इतना करने के बाद गाइज आपको, आप देखिए इस वाली शीट पे, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी मंथ्स की अटेंडेंस बनानी है, उस मंथ्स की यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है, तो ये डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब डेट को किस तरीके से लिखेंगे, तो गाइज मान लीजिए मुझे जनवरी की अटेंडेंस शीट बनानी है, तो मैं यहाँ पे जनवरी की फर्स्ट डेट मेंशन करूँगा, 1 तारीख, फर्स्ट मंथ और 2022। इतना करने के बाद गाइज आपको इसको ड्रैग कर लेना है जिस डेट तक भी आप अपने अटेंडेंस शीट को बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा ड्रैग कर लिया यहाँ तक 31 जैन तक। इतना करने के बाद गाइज आपको ये भी नीचे भी लिखे हुए आ रहे हैं, तो इसको भी आपको ऊपर लिखना है, तो वही पूरा सेलेक्ट रहने देना है और आपको अपने माउस से इस मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, ये बीच में आ जाएगा। इतना करने के बाद गाइज अभी आपको देखेंगे कि आपको यहाँ पे पूरी डेट लिखी हुई नज़र आ रही है, जबकि इस वाली शीट पे आपको सिर्फ डेट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको कैसे किया गया गाइज, आपका ये पूरा सेलेक्ट है तो इसको पूरा सेलेक्ट रहने देना है, अगर ये आपका सेलेक्ट नहीं है तो आपको इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है, नंबर फॉर्मेट्स पे जाके मोड नंबर फॉर्मेट्स पे जा सकते हैं। मोड नंबर फॉर्मेट्स पे जाने के बाद आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद ये सारा टाइप वाले ऑप्शन पे ये डेट, मंथ, वाई जो भी लिखा हुआ है, इन सबको रिमूव कर देना है और अपने कीबोर्ड से सिर्फ 2 बार D लिखना है और ओके करना है। ये जो ऑप्शन गाइज मैंने माउस से किया, इसको आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 को प्रेस करना होगा और आपको वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उसके बाद वही आपको गाइज आपको कस्टम पे जाके उसको चेंज करना है। इतना करने के बाद गाइज आपको इसको भी बीच में लिखना है, तो गाइज पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करिए, आपका बीच में आ जाएगा। इसको भी बोल्ड करना है तो गाइज बी पे क्लिक करिए, पूरा का पूरा आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए गाइज यहाँ पे आपका जो कॉलम है इस वाली शीट में, सारा का सारा कॉलम एडजस्ट हुआ है इस डेट के हिसाब से, जबकि यहाँ पे कॉलम्स क्या हैं, बड़े हैं। इसको भी एडजस्ट करने के लिए आपको पूरे डेट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने माउस से फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन आ रहा है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आपको क्लिक करना है, ये सारा का सारा आपका एडजस्ट हो जाएगा। माउस से करना चाहें तो फॉर्मेट पे जाके कर सकते हैं, या फिर आपको आप इसको कीबोर्ड से करना चाहें तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से करने के लिए आपका जो शॉर्टकट है गाइस वो है Alt+H+O और फिर I, यानी कि आपको पहले अपने कीबोर्ड से Alt लगाना है, फिर H लगाना है, फिर O लगाना है और फिर I को प्रेस करना है। इतना करने के बाद ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे मैंने इसे हेडिंग्स को कलरफुल किया हुआ है, यानी कि दूसरे कलर से ये आपके हेडिंग्स जो है यहाँ पे दूसरे कलर से फिल है, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो गाइस आपको इस पूरे को सेलेक्ट करना है। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप यहाँ पे जिस भी कलर से आप इसको फिल करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस कलर से इसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही गाइस यहाँ पे आपकी जो डेट्स हैं ये भी आपका यहाँ पे क्या है फिल किया हुआ है, तो इसको भी आप फिल कर सकते हैं। मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाके फिल कलर पे जाके जिससे भी आप फिल करना चाहते हैं उस कलर को आप सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद गाइस आपको अपने एम्प्लॉय नेम टाइप कर रहे होंगे जो भी आपकी कंपनी में काम करते हैं, जैसे विराट मेरी कंपनी में काम करता है तो मैंने यहाँ पे विराट को नाम टाइप किया, रोहित काम करता तो रोहित का नाम मैंने यहाँ पे टाइप किया। गाइस यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ के नाम को टाइप करेंगे जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल गाइस मैं टाइम को सेव करने के लिए टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल और सी होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और वी होता है, तो मैंने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। अगेन गाइस ये सुपरवाइज़र का ऑप्शन आ रहा है, सुपरवाइज़र के ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही करना है गाइस, अपने सुपरवाइज़र के नाम को टाइप करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने नाम को अपने एम्प्लॉयज़ और अपने सुपरवाइजर के नाम को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गाइज़ यहाँ पे मैंने सब पे बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये बॉर्डर कैसे लगेगा गाइज़ आपका, तो आपको पूरे को सेलेक्ट करना है ये जहाँ तक आपका डाटा है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। जैसे भी आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपके पूरे डाटा पे क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। ये हमारा एक सेल एक्स्ट्रा हो गया गाइज़, तो इस रो को हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारा एक रो डिलीट हो गया। इतना करने के बाद आप देखेंगे गाइज यहाँ पे आपको डेट के साथ साथ ऊपर वाले रो पे डेज़ के नाम भी आ रहे हैं। डेज़ के नाम कैसे आ रहे हैं गाइज वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी सेल में डेज़ के नाम चाहिए आपको उस सेल को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपने कीबोर्ड से इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है, TEXT टेक्स्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद इस 1 तारीख को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद अपने कीबोर्ड से इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आपको
अपने कीबोर्ड से 3 बार डी को प्रेस करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ब्रैकेट को बंद करना है और फिर एंटर करना है। ये देखिए गाइज हमारा सैटरडे लिखा हुआ आ गया, बट हमें 31 तारीख तक चाहिए, तो गाइज इसको मैं सिर्फ ट्रैक कर दूंगा और ये हमारा पूरा का पूरा डेज आ जाएगा। गाइज हमारे डेज के नाम आ गए, बट देखिए गाइज इस वाली शीट पे आपके जो डेज के नाम आ रहे हैं वो वर्टिकल आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको ये हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं। तो इसको वर्टिकल करने के लिए आपको क्या करना है, पूरे डेज को, डेज के नाम को सेलेक्ट करना है, इस ओरिएंटेशन यहाँ पे जाके ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है तो ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक करना है, ये आपका क्या हो गया गाइज वर्टिकल हो गया। इसको भी आपको बॉर्डर करना है तो पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके आप ऑल बॉर्डर करेंगे, ये बॉर्डर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे बॉर्डर हो गया, देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आप देखिए यहाँ पे जितने भी इस वाली शीट पे देखिए जो भी संडे है वो रेड कलर से आ रहा है, तो इस संडे को रेड कलर से कैसे हमने किया हुआ है, तो आपको क्या करना है गाइज ये पूरा का पूरा जो मंथ का आपने डेट लिखा हुआ है इस पूरे को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आपको न्यू रूल्स पे जाना है, न्यू रूल्स पे जाने के बाद आपको गाइज यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे क्लिक करना है, उसके बाद एक फार्मूला यहाँ पे आपको एंटर करना है, इक्वल टू टी टेक्स्ट लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, टेक्स्ट लिख के ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद गाइज आपको ये जो सैटरडे है इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद गाइज एच के पहले जो ये डॉलर है इस डॉलर को आपको हटाना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर 3 बार अपने कीबोर्ड से डी को टाइप करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट को बंद करना है, फिर इक्वल टू लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और फिर यहाँ पे आपको संडे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद जिस सेल से भी जिस कलर से आप अपने सेल को क्या करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, संडे को दिखाना चाहते हैं, वो कलर मैं आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ रेड से दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे रेड को सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके करना है, उसके बाद ये ओके करना है, जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए गाइस जो दिन भी संडे होगा उस दिन आपका क्या हो जाएगा रेड कलर से कलर हो जाएगा, जैसे 2 तारीख है, 9 तारीख है, 16 तारीख है, इस दिन आपके कलर हो गए। इसके बाद गाइस आप देखिए अब गाइस ये प्रेजेंट अब्सेंट लीव वगैरह आपको कैसे लिखने हैं, तो आपको ये सिंपली नहीं लिखने गाइस, सिंपल लिखने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जहाँ पे भी आपको ये प्रेजेंट अब्सेंट वगैरह लिखने हैं उस पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आपको एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सेलेक्ट करना है, फिर सोर्स पे आपकी कंपनी में जो भी होता है प्रेजेंट तो पी लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, अब्सेंट तो ए लिखेंगे, लीव तो एल और आपका वीक ऑफ तो डब्ल्यू ओ लिखेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे गाइज यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ जाएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं इसको। अब जिस दिन भी विराट अगर आपका 1 तारीख को प्रेजेंट है तो पी पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपका विराट 2-3 तारीख को प्रेजेंट है तो पी पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपका रोहित 1 तारीख को ऑब्सेंट है तो ऑब्सेंट पे क्लिक कर लीजिए, अगर आपका कार्तिक 1 तारीख को लीव पे है तो एल पे क्लिक कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको पूरा फिल कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस के हिसाब से। गाइज हमारा संडे को क्या होता है गाइज, संडे को हमारा वीक ऑफ होता है, तो मैं यहाँ पे वीक ऑफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे गाइज आप हर एक संडे को वीक ऑफ से फिल कर सकते हैं। संडे को वीक ऑफ होता है तो मुझे एक पे, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पे वीक ऑफ को सेलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग कर लूँगा पूरा का पूरा। अगेन गाइज इसमें भी मैं वीक ऑफ को सेलेक्ट करूँगा, इसको ड्रैग कर लूँगा कम्प्लीट, या फिर मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि संडे को हमारा वीक ऑफ होता है हम सबको पता है, तो यहाँ पे मैंने गाइज सब में ये कर लिया। इसके बाद गाइज आप हर एक में अपने हिसाब से जो अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, अब्सेंट है हमारा एम्प्लॉय तो अब्सेंट, लीव है तो लीव, इस तरीके से आप कर सकते हैं गाइज। फिलहाल मैं सभी में प्रेजेंट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, बट गाइज आपको अपने हिसाब से करना है, अगर आपका एम्प्लॉय अब्सेंट है तो अब्सेंट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, लीव पे है तो लीव पे। ऐसा नहीं कि गाइज आपको सब पे, जैसे मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके सब पे पेस्ट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको भी इस पे प्रेजेंट नहीं करना, आपको अपने एम्प्लॉयज के हिसाब से क्या करना है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, लीव है तो लीव, अब्सेंट है तो अब्सेंट, वरना कहीं ऐसा पता चलेगा कि आपने सब में प्रेजेंट लगा दिया और आपका एम्प्लॉयज आया ही नहीं और वो पूरे महीने की सैलरी लेके चला गया, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस के हिसाब से इसको फिल करना है। इतना करने के बाद गाइस बीच बीच में मैं कहीं कहीं पे अब्सेंट को सेलेक्ट कर देता हूँ, कहीं पे अब्सेंट और कहीं पे लीव को सेलेक्ट कर देता हूँ, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो बीच बीच में मैंने अब्सेंट को सेलेक्ट कर लिया, कहीं पे मैंने लीव को सेलेक्ट कर लिया, ये गाइस इस तरीके से अब्सेंट को सेलेक्ट किया, इस तरीके से मैंने अपने लीव को सेलेक्ट किया। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे मैं अब्सेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लीव सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपका एम्प्लॉय अब्सेंट है तो अब्सेंट को, लीव पे है तो लीव पे, अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। इतना करने के बाद गाइस आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है,
पूरा सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद गाइज आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल रूल्स आ रहे हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करना है। हाईलाइट सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको इक्वल टू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पी लिखना है, फिर यहाँ पे जाने के बाद कस्टम फॉर्मेट पे जाना है। कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद प्रेजेंट को आप जिस कलर से दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं प्रेजेंट को इस वाले कलर से दिखाना चाहता हूँ, मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ओके किया और ओके किया। ये देखिए गाइस हमारा जो भी प्रेजेंट होगा वो उस कलर से हमारा कलर हो जाएगा। ऐसे गाइस एब्सेंट के लिए और ऐसे गाइस आप लीव के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एब्सेंट के लिए पूरा सेलेक्ट करूँगा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, हाईलाइट पे जाऊँगा, इक्वल टू पे जाऊँगा, यहाँ पे ए को क्लिक करूँगा। यहाँ पे जाने के बाद मुझे कस्टम फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पे जिस भी कलर से मैं एब्सेंट को दिखाना चाहता हूँ उस कलर के मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, ये मेरा एब्सेंट उस कलर से कलर हो गया। ऐसे गाइस लीव के लिए भी मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है। हाईलाइट सेल रूल्स पे जाने के बाद इक्वल टू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे एल लिखना है, एल को मैं जिस कलर से दिखाना चाहता हूँ तो कस्टम फॉर्मेट पे जाऊँगा। जिस भी कलर से मैं एल को दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एल को इस ब्लू कलर से दिखाना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा एल भी हमारा क्या हो गया, कलर हो गया। तो और अपने हिसाब से मैं यहाँ पे एब्सेंट और लीव को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। ये देखिए गाइस इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट काउंट आ रहा है, एब्सेंट काउंट आ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको किस तरीके से किया गया, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला एंटर करना होगा। आपको सबसे अपने पहले अपने कीबोर्ड से काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, इस पूरे रो को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। प्रेजेंट को देख रहे हैं हम गाइस, इसलिए हम पी पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। इसके बाद गाइस आपको सभी में फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस N12 को पी के बीच में जाके अपने कीबोर्ड से F4 लगाएंगे ताकि ये लॉक हो जाए और एंटर करेंगे और इसके बाद आप इसको ड्रैग कर देंगे। अगेन गाइस एब्सेंट के लिए फिर से आपको इक्वल टू लिखना है, काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, रेंज में गाइस वही इस पूरे रो को आपको दोबारा सेलेक्ट करना है। एब्सेंट देख रहे हैं तो एब्सेंट के लिए हमारा A होता है, तो मैंने इस A पे क्लिक किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर। और इसको मुझे पूरे सेल में आंसर नहीं लगाना, मुझे फॉर्मूला पुट नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने कीबोर्ड से H12 के बीच में जाके F4 लगाना है और एंटर करना है और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा जहाँ तक मुझे ये ड्रैग करना है। अगेन गाइस लीव के लिए भी मुझे इक्वल टू काउंट इफ लिखना है, पैकेट को स्टार्ट करना है, पैकेट को स्टार्ट करने के बाद गाइस ये हमसे सिंटैक्स में रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, उसके बाद क्राइटेरिया में L को सेलेक्ट करना है, पैकेट को बंद करना है और एंटर करना है, ये हमारा लीव आ गया। उसके बाद वही गाइस Z12 के बीच में जाके F4 लगाना है और एंटर करना है और आपको इसको ट्रैक कर देना है, ये आपका लीव का भी आ जाएगा। इसको भी गाइस आपको बोल्ड करना है तो पूरा सेलेक्ट करिए, बी पे क्लिक करिए आपका बोल्ड हो जाएगा, मिडिल अलाइनमेंट में लिखना है तो इस पे मिडिल पे क्लिक करिए आपका मिडिल में आ जाएगा। इस तरीके से गाइस आपका ये पूरा का पूरा आ गया। अब आपको गाइस अनप्लैंड परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो अनप्लैंड परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि पूरे महीने में इस विराट ने कितनी परसेंट छुट्टी बिना बताए की है, तो उसको कैसे करेंगे गाइस, इक्वल टू लगाना है, एब्सेंट को सेलेक्ट करना है, डिवाइड का निशान लगाना है कीबोर्ड से, फिर सम टाइप करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, इस प्रेजेंट और एब्सेंट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर। इसके बाद आपको इसको ड्रैग कर लेना है। ऐसे गाइस प्लान परसेंटेज में कि कितने परसेंट छुट्टी उसने बता के किया, तो इक्वल टू लीव को सेलेक्ट करना है, डिवाइड का निशान, सम लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, प्रेजेंट एब्सेंट लीव तीनों को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। ये आगे गाइस इस पूरे को हम ट्रैक कर देंगे। गाइस देखिए ये हमारा परसेंटेज में पूछ रहा है, बट हमारे पास जो आंसर आया है वो परसेंटेज में नहीं आया, एक जनरल टर्म्स में आया, न्यूमेरिकल फॉर्म में आया, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पूरे दोनों कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके गाइस आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, आपका परसेंटेज पे आ जाएगा। इस तरीके से गाइस हमारा ये आ गया। अब देखिए गाइस ये प्रेजेंट काउंट में कुछ डाटा बार दिख रहे हैं, एब्सेंट काउंट में कुछ डाटा बार दिख रहे हैं। अब इसको हमने कैसे बनाया, तो गाइस आपको प्रेजेंट काउंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद गाइस आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, डाटा बार्स पे जाना है, जिस भी डाटा बार से आप दिखाना चाहते हैं उस डाटा बार को आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। एब्सेंट के लिए भी गाइस आपको पूरा ये सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, डाटा बार्स पे जाना है, जिस कलर से आप इसको दिखाना चाहते हैं वो कलर आप सेलेक्ट करेंगे। लीव काउंट के लिए आपको पूरा सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, डाटा बार पे जाना है, जिस भी कलर से आप इसको करना चाहते हैं उस कलर से आप ये सेलेक्ट कर देंगे। इतना करने के बाद गाइस अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने अटेंडेंस समरी लिखी हुई है, तो ये अटेंडेंस समरी कैसे लिखी हुई है गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, इसके लिए आपको इस पूरे सेल को सेलेक्ट करना है, प्रेजेंट से लेके प्लांट तक के ऊपर वाले रो को, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे अटेंडेंस
समरी टाइप करना है, उसके बाद आपको इसको बोल्ड कर लेना है बी पे क्लिक करके, इस आप सेंटर अलाइनमेंट पे मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक करके इसको आप ऊपर करेंगे, उसके बाद आपको इसको ए पे क्लिक करके बड़ा कर लेंगे आप जितना बड़ा करना चाहते हैं। इसको भी फिल करना चाहते हैं फिल कलर पे जाके, जिस भी कलर से आप इसको फिल करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ये गाइस मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जाके मैं ऑल बॉर्डर क्लिक करूँगा, ये हमारा ऑल बॉर्डर क्लिक करते हैं यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए गाइस हमारा एक तरीके से अटेंडेंस शीट हमारी तैयार हो गई है। गाइस अगर आप एक सिंपल अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो ये सिंपल अटेंडेंस शीट हमारी बनके क्या हो गई है, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अगर आप एक सिंपल वे में अटेंडेंस शीट को बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से एक सिंपल वे में अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस मैंने एक डेट वाला भी ऑप्शन लिया हुआ है और एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऑटोमेट किया हुआ है, यानी कि अगर आप एक सिंपल वे में अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो आपकी अटेंडेंस शीट बनके रेडी ही हो गई है, बट इसको आप थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं, थोड़ा और ऑटोमेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और इस पर वर्क करना होगा। तो जैसे गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जिस भी डेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसी डेट की यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट निकल के आ जाती है। तो इसके करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सेल्स को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट डेट टाइप करना है अपने कीबोर्ड से। सेलेक्ट डेट टाइप किया मैंने, उसके बाद गाइस इसको भी बीच में करने के लिए मैंने इस मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक किया, बी पे क्लिक किया, बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। अगेन गाइस इसके लिए भी मैंने यहाँ पे देखी गाइस आप यहाँ पे डेट के लिए भी मुझे क्या करना होगा, कुछ सेल्स को मर्ज करना होगा। तो अगेन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ सेल्स को मर्ज कर दूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, मर्ज एंड सेंटर पे जाऊँगा, उसके बाद गाइस मुझे अब डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा। एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको सोर्स पे ये जो आपने डेट्स लिखी हुई है इन सभी डेट्स को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये देखिए गाइस आपका ड्रॉप डाउन बन जाएगा, आप यहाँ पे अलग अलग डेट्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट देखिए गाइस यहाँ पे डेट ना आके यहाँ पे आप हमारे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो इस नंबर्स को हम कैसे चेंज करेंगे, तो अगेन गाइस आपको होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके आपको शॉर्ट डेट पे क्लिक करना है। जैसे आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे डेट मेंशन हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे इस वाली शीट पे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ डेट लिखी हुई आ रही है, जबकि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डेट डेट मंथ और ईयर के साथ लिखी हुई है। इसको कैसे चेंज करेंगे, अगेन गाइस आपको यहाँ पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है, कस्टम पे जाना है, और कस्टम पे जाने के बाद इन सभी को हटा के सिर्फ दो बार डी लिखना है, ओके करना है। ये हमारे यहाँ पे सिर्फ डेट आ गया, इसको मिडिल में करने के लिए इस पे क्लिक करूँगा और बी पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर दूंगा और इसको बड़ा कर दूंगा, जितना बड़ा आपको करना है। इतना करने के बाद गाइस आपको इसमें भी कलर करना है, तो अगेन गाइस यहाँ पे जाके आप फिल कलर करेंगे, यहाँ पे भी जाके आप फिल कलर करेंगे। बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे जाके आप गाइस बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ पे जाके आप बॉर्डर कर देंगे। अब यहाँ पे जिस भी डेट को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब गाइस ये जो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कार्ड्स बने हुए आ रहे हैं, कार्ड्स मैंने कैसे बनाए हुए हैं गाइस, इस कार्ड्स को कैसे बनाया गया ये देख लेते हैं गाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको कुछ सेल्स को यहाँ पे मर्ज करना होगा गाइस। यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जिस भी कलर से आपको करना है वो कलर मैंने सेलेक्ट किया। अगेन गाइस नीचे भी मैंने ऐसे सेलेक्ट किया पूरा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, और इसको भी किसी और कलर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस भी कलर से आप चाहते हैं। मान लीजिए मैं इस कलर से जाता हूँ, मैंने ये कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए गाइस यहाँ पे करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइप करना है अपने कीबोर्ड से, PRESENT प्रेजेंट, फिर पी लिखेंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे हो गया। अगेन गाइस मुझे ऐसे ही सारे सेल्स के लिए करना है, तो मुझे सारे सेल्स को ऐसे सेलेक्ट करना होगा। अगेन मर्ज एंड सेंटर पे जाके यहाँ पे जिस भी कलर से मुझे इसको फिल करना है तो वो फिल कलर मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे जाके मुझे यहाँ पे जिस भी कलर से करना है वो कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मुझे एब्सेंट लिखना है तो यहाँ पे मैंने एब्सेंट टाइप किया अपने कीबोर्ड से। अगेन गाइस मुझे यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद वही गाइस मर्ज एंड सेंटर पे जाऊँगा। नीचे भी गाइस मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा मर्ज एंड सेंटर पे, इसको मुझे कलर करना है तो वहीं पे फिल कलर पे जाके मैं इसको फिल कलर पे कर दूंगा। इसको भी करना है तो मुझे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके मैं अगेन फिल कलर पे क्लिक करूँगा, जिस भी कलर से मुझे इसको दिखाना है, और यहाँ पे मैं लीव लिख देता हूँ गाइस। अगेन गाइस एक और हमें यहाँ पे बनाना है अनप्लैंड के लिए, तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करिए आप। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे जाके इसको भी जिस कलर से आप करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे कर दीजिए। अगेन नीचे वाले रोज को भी आप ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे जाके
यहाँ पे जिस भी कलर से आपको करना है वो कलर आप यहाँ सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए अनप्लैंड परसेंटेज। ये हमारा आ गया। इसको आपको बोल्ड करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, बी पे क्लिक कर दीजिए, आपका बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए गाइस, देखने में बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ है। अब ये जो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं जिस भी डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, उसी डेट की यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। तो इसको मैंने कैसे किया है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पुट करना होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक फॉर्मूला पुट किया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हमें कैसे पुट करना है ये देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट देखना है, तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे इक्वल टू करना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ गाइस मैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू लगाना है, फिर अपने कीबोर्ड से ऑफसेट को टाइप करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, रेफरेंस बोल रहा है गाइस, रेफरेंस में आपको इस प्लांट को सेलेक्ट करना है। ओके, प्लांट को सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछ रहा है गाइस रोज कि कौन से रो का आपको आंसर चाहिए। तो गाइस मुझे तो यहाँ से स्टार्ट करना है ना, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे एक रो नीचे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वन टाइप करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है गाइस कॉलम्स, कि आपको किस कॉलम पे आंसर चाहिए, यानी कि किस कॉलम का आपको आंसर चाहिए। तो गाइस मुझे तो यहीं से स्टार्ट करना है, सैटरडे से लेकर यहाँ तक स्टार्ट करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको अपने कीबोर्ड से, एक सेकंड गाइस मैं फिर से आपको फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ गाइस। इतना करने के बाद गाइस आपको सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे इक्वल टू ऑफसेट लगाना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, रेफरेंस बोल रहा है तो रेफरेंस में आपको प्लांट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, रोज में गाइस यहाँ पे आपको वन टाइप करना है, उसके बाद कॉमा कॉलम्स। अब गाइस कॉलम्स में मुझे यहाँ पे मैच लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, लुकअप वैल्यू में आपको ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो आपने यहाँ पे डेट है, कॉमा लगाना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद जीरो लिखना है, ब्रैकेट को करना है बंद, कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाने के बाद गाइस जब आपसे पूछ रहे हैं हाइट, कि आपकी हाइट क्या है, तो हाइट के लिए हमें एक और फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होगा, काउंटा, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद हमें गाइस ये पूरा जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इस एम्प्लॉयज़ को पूरा सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, विड्थ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं गाइस विड्थ का मतलब हमें कितनी हमारी विड्थ है, तो इसकी विड्थ वन है, तो हमें यहाँ पे वन टाइप करना है। गाइस ऑफसेट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं फटाफट आपको लगा के दिखा रहा हूँ, बट ऑफसेट फॉर्मूले के लिए मैंने दो वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है। अगर आप ऑफसेट फॉर्मूले को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्लेलिस्ट पे जाके भी ऑफसेट को सीख सकते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए गाइस हमारे पास वैल्यू आ रही है। रीजन बीइंग क्या है गाइस, कि हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होगा ऑफसेट से पहले। यहाँ पे आपको काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के क्राइटेरिया बोल रहा है, क्राइटेरिया में गाइस आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और पी लिखना है, ब्रैकेट को इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ब्रैकेट को करना है बंद और एंटर करना है। ये देखिए गाइस हमारा प्रेजेंट आ गया, यानी कि हमारा उस दिन कितने प्रेजेंट है गाइस, हमारे उस दिन 12 एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट है। अब्सेंट के लिए भी गाइस अगेन आपको अब्सेंट के लिए भी ऐसे सेलेक्ट करना होगा, इक्वल टू ऑफसेट लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, रेफरेंस में गाइस अगेन रेफरेंस के लिए मैंने आपको बोला था प्लांट को सेलेक्ट करना है, रोज़ के लिए गाइस आपको वन टाइप करना है, कॉलम्स के लिए आपको गाइस अगेन मैच लिखना है, पैकेट को स्टार्ट करना है, लुकअप वैल्यू में गाइस ये आपको इस वाले डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, लुकअप एरे में गाइस आपको लुकअप एरे के लिए गाइस आपको ये पूरी की पूरी डेट्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर जीरो टाइप करना है, पैकेट को बंद करना है, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद हाइट पूछ रहा है, हाइट के लिए गाइस आपको यहाँ पे काउंटा टाइप करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है, तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ को आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको ब्रैकेट को बंद करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद आपसे विड्थ पूछ रहा है, विड्थ में आपको वन लिखना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। फिर से गाइस आपको यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको फिर से वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही है, देखिए। तो अगेन गाइस आपको यहाँ पे ऑफसेट से पहले काउंट इफ लिखना है, काउंट इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और फिर यहाँ पे गाइस आपको कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में, अब्सेंट के लिए ए होता है तो यहाँ पे हमें ए लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर टाइप करना है। ये देखिए गाइस हमारा अब्सेंट भी आ गया, यानी कि 11 तारीख को सिर्फ एक ही एम्प्लॉय जो है हमारा अब्सेंट है। लीव के लिए अगेन गाइस आपको ऑफसेट लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ गाइस ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, विजिबल हो सारी चीज़ें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आपको इक्वल टू करना है गाइस, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं गाइस,
इक्वल टू करना है गाइज, ऑफसेट लिखना है, पैकेट को स्टार्ट करना है, रेफरेंस में गाइज आपको प्लांट को सेलेक्ट करना है, कॉमा रोज के लिए गाइज आपको वन लिखना है, फिर कॉमा कॉलम्स के लिए आपको मैच लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, लुकअप वैल्यू में इस डेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद लुकअप एरे के लिए आपको गाइज ये पूरे डेट्स को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, जीरो लिखना है, ब्रैकेट को बंद करना है, कॉमा लगाना है। अब आपसे गाइज हाइट पूछ रहा है, हाइट के लिए अगेन आपको अपने कीबोर्ड से काउंटर लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद विड्थ में गाइज आपको वन लिखना है, ब्रैकेट को बंद और एंटर करना है। अगेन गाइज यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो वही गाइज यहाँ पे आपको ऑफसेट से पहले क्या लगाना है, हमें यहाँ पे काउंटिंग वाला फॉर्मूला पुट करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, कॉमा लगाना है इन्वर्टेड कॉमा से, उसके बाद हमें यहाँ पे एल लिखना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद करना है और ये एंड। ये देखिए गाइज हमारा आंसर निकल के आ गया जीरो, मतलब कि इसका मतलब क्या है, 11 तारीख को किसी ने भी हमसे लीव नहीं लिया किसी भी एम्प्लॉय ने, तो गाइज ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसको बड़ा कर सकते हैं गाइज अपने हिसाब से, जितना बड़ा आप करना चाहें। अब गाइज आपको अनप्लैंड परसेंटेज निकालना है, तो सिंपली गाइज इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद आपको अपसेंट को सेलेक्ट करना है, अपसेंट को सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड का निशान लगाना है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप फॉर्मूला आराम से देख सकें गाइज, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं गाइज। अब आपको इक्वल टू करना है, अपसेंट को सेलेक्ट करना है, डिवाइड का निशान लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रेजेंट को सेलेक्ट करना है, प्लस लगाना है, अपसेंट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। ये देखिए गाइस हमारा आ गया, अभी ये हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स में आ रहा है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आपको इस जगह पे जाके आपको गाइस परसेंटेज पे सेलेक्ट करना है, आपको परसेंटेज में आ गया। इनको गाइस मैं एक यूनिफॉर्मिटी लाके यानी कि एक इक्वल साइज कर देता हूँ सबका, ताकि हमें समझने में आसानी हो। एक सेकेंड गाइस, इसको थोड़ा सा और इसको मैं पहले सेंटर लाइन में, ठीक है देखिए गाइस हमारा आ गया। अब जैसे गाइस मैं यहाँ पे डेट को चेंज करूँगा, अब देखिए मैं 15 तारीख करता हूँ, तो 15 तारीख करने के बाद जैसे हमारा देखिए आंसर आ गया, 15 तारीख को कितने लोग प्रेजेंट थे, 13 लोग प्रेजेंट थे। ऐसे गाइस मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 20 तारीख करता हूँ, ये हमारे पास 20 तारीख का डाटा आ गया। ऐसे मैं 26 तारीख को करता हूँ, 26 तारीख को 11 लोग प्रेजेंट थे, 2 लोग अब्सेंट थे, कोई किसी ने भी लीव नहीं ली थी और अनप्लेड परसेंटेज हमारा 15.38 था। तो इस तरीके से आप एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं और देखिए देखने में क्या बढ़िया लग रहा है और आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जिस भी डेट को आपको चाहिए, अगर आपको जिस भी डेट का ओवरऑल डाटा चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वन बाई वन देखना है तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। ओवरऑल आपको जानना है कि पूरे दिन में 24 तारीख को मान लीजिए आपको ये जानना है कि 27 तारीख को कितने एम्प्लॉयज़ आए थे, तो 13 एम्प्लॉयज़ आए थे, कितने लोग अब्सेंट थे, तो कोई भी अब्सेंट नहीं था, लीव भी कोई नहीं थे। अगर आपको देखना है तो भाई कोई भी डेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, 29 तारीख का डाटा देखना है तो मैं यहाँ पे 29 डेट को सेलेक्ट करूँगा और 29 डेट का हमारे पास आ गया, 27 डेट का। तो इस तरीके से गाइज आप एक प्रॉपरली अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। गाइज इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, अभी स्टार्टिंग में एक बार देखने पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर आप गाइज इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई गारंटीड कि आपको बहुत आसान लगेगा और आप इससे अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं गाइज। बट फिर भी गाइज आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की। तो गाइज तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए गाइज इसकी प्रैक्टिस करिए, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।